गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आज हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 64 और आज है दिनांक 17 सितंबर 2020। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर क्लास व सेक्शन लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज की हमारी वर्कशीट का नाम है महेंद्र सिंह धोनी। बच्चों आप सब जानते होंगे कि महेंद्र सिंह धोनी कौन है और आप में से बहुत सारे बच्चों के वो फेवरेट क्रिकेटर भी होंगे। तो बच्चों आज हम महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे और फिर दिए गए प्रश्नों को करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। और आज की वर्कशीट थोड़ी बड़ी है तो वीडियो भी थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे। क्रिकेट जगत में महेंद्र सिंह धोनी का बहुत नाम है। हाल ही में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसका मतलब अब वे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वे सन 2007 से 2016 तक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे। उनके बेहतरीन नेतृत्व की वजह से भारत ने 2011 में वर्ल्ड कप भी जीता। उन्हें 2018 में पद्म भूषण, जो कि भारत देश का एक बहुत ही गौरवपूर्ण सम्मान है, उससे नवाजा गया। कहा जाता है कि धोनी इतने कामयाब इसलिए हैं क्योंकि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वे कभी परेशान नहीं होते, संयम और धैर्य बनाए रखते हैं, इसलिए लोग उन्हें प्यार से मिस्टर कूल भी कहते हैं। बच्चों आपने सुना होगा उन्हें कैप्टन कूल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों वो अपने जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना संयम और धैर्य से करते हैं। तो ये चीज़ हमें उनसे सीखनी चाहिए और जब कुछ मुश्किल आती है तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। तो चलो बच्चों अब हम अपने प्रश्न देखते हैं और पहला प्रश्न करने से पहले कुछ बातें और सीखते हैं। तो बच्चों पहले हम किसी भी नंबर का आधा या दोगुना निकालना सीखेंगे। बच्चों देखो जैसे यहाँ लिखा है 18, तो अगर हमें 18 का आधा निकालना है तो बच्चों हम उसे 2 से भाग करेंगे। मतलब किसी भी नंबर का आधा निकालने के लिए हम उसे 2 से भाग करते हैं। अब 2 से 18 को भाग करो तो ये जाएगा 9 पर। 2 9 18, तो 18 का आधा क्या हुआ बच्चों? 9। इसी तरह जब हम 50 का आधा निकालेंगे तो उसे भी हम 2 से भाग करेंगे। 2 2 4, आप सबको डिवाइड आती होगी ना। अब ये आएगा 1, यहाँ से हम 0 उतारा, अब कितने पर जाएगा? 2 5 10, ये हो गया यहाँ 0। तो 50 का आधा हुआ बच्चों 25। इसी तरह आप 40 का आधा निकाल कर देखें तो उत्तर आएगा 20, और 20 का आधा निकालेंगे तो उत्तर आएगा 10। तो आप ये अपनी कॉपी में करके देख सकते हैं। तो हमने सीखा जब हम किसी भी नंबर का आधा निकालना चाहें तो हम उसे 2 से भाग कर देंगे। इसी तरह जब हमें 2 गुना निकालना है तो बच्चों हम उस नंबर को 2 से गुना करेंगे। तो 18 का निकालेंगे तो आएगा 36, 50 का 2 गुना निकालेंगे तो आएगा 100। इसी तरह 40 का 2 गुना निकालेंगे तो 2 से गुना करेंगे और उत्तर आएगा 80। और 20 का जब 2 गुना निकालेंगे तो उत्तर आएगा 40। तो बच्चों किसी का भी 2 गुना करना है तो 2 से गुना करना है। देखो इसके नाम में ही इसका अर्थ है, ये है 2 और ये है गुना, मतलब 2 से गुना करना है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, आधे में 2 से भाग और 2 गुना में 2 से गुना करेंगे। अब देखो पहला प्रश्न। एक शतक को अंग्रेज़ी में सेंचुरी कहते हैं, यानी 100 रन, और अर्धशतक को हाफ सेंचुरी। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक अर्धशतक में कितने रन होंगे और दोहरे शतक में कितने रन होंगे? तो पहले हम अर्धशतक का निकालते हैं। बच्चों अर्ध मतलब होता है आधा, मतलब एक सेंचुरी में अगर 100 रन होते हैं तो हाफ सेंचुरी आधी सेंचुरी में कितने होंगे? तो हम उसको 2 से भाग करेंगे। हमने अभी अभी सीखा किसी का भी आधा करना है तो 2 से भाग करो। पहले जाएगा ये 2 5 10। अब हम 0 को नीचे उतारेंगे, लेकिन बच्चों ये यहाँ पर हो गया
ज़ीरो जो कि दो से छोटा है, अब इसे हम आगे भाग नहीं कर पाएंगे। तो जो हमने ज़ीरो उतारा उसके नाम का हम यहाँ पर ज़ीरो चढ़ाएंगे, ठीक है। तो उत्तर क्या आया बच्चों, 50। तो अर्धशतक में होते हैं 50 रन। इसी तरह हम दोहरा शतक निकालेंगे, दोहरा मतलब बच्चों जितने सेंचुरी के रन होते हैं उससे दो गुना, तो 100 का दो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 200। तो उत्तर हो गया 200 रन। दोहरा मतलब उसका दो गुना करना है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब पहले प्रश्न में बच्चों आपको ये टेबल भी पूरी करनी है। इस टेबल में क्या करना है, यहाँ पर आपको दिया गया है एक दिवस मैच और यहाँ पर टेस्ट मैच, मतलब धोनी ने एक दिवस मैच में कितने शतक किए, 10, और टेस्ट मैच में 6। तो कुल आपको बताने हैं। देखो एक बार पढ़ लेते हैं। नीचे दी गई तालिका में उनके द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण शतक दिए गए हैं। तो अगर हम इसका टोटल निकालते हैं, कुल निकालते हैं, कुल मतलब आपको यहाँ पर प्लस करना है, जमा करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर 10 और 6 को आप जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 16। यहाँ पर आप लिख देंगे 16। अब अर्धशतक देखो, एक दिवस मैच में 73 और टेस्ट मैच में 33। तो यहाँ पर आप इनको जोड़ देंगे और आपका उत्तर आएगा 106, जो आप यहाँ लिखेंगे। अब देखो दोहरा शतक, एक दिवस मैच में उन्होंने कोई दोहरा शतक नहीं बनाया लेकिन टेस्ट मैच में एक बनाया है, तो इनको भी आप जोड़ेंगे, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 1। यहाँ पर आप लिख देंगे 1। तो इस तरह से आपकी ये टेबल पूरी हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। आपको क्या लगता है कि यदि धोनी ने 10 शतक बनाए हैं तो क्या हर मैच में उन्होंने पूरे 100 ही रन बनाए या 100 से ज़्यादा रन भी बनाए होंगे। तो बच्चों अगर उन्होंने 10 शतक बनाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हर मैच में सिर्फ 100 रन बनाए होंगे, नहीं। हो सकता है किसी मैच में उन्होंने 105, किसी में 108, किसी में 117, किसी में 125 ऐसे रन बनाए हो सकते हैं। तो इसका उत्तर आएगा उन्होंने 100 से ज़्यादा रन भी बनाए होंगे, तो उसे भी हम शतक ही मानेंगे। 105 रन बनाए तो भी उसको हम शतक मानेंगे। अब ये पहला देखो, और भी आपसे क्या पूछा गया है, यदि किसी मैच में वह 99 रन बनाकर आउट हो गए तो हम उसे शतक में गिनेंगे या फिर अर्धशतक में। तो बच्चों यदि किसी मैच में वह 99 रन बनाकर आउट हो गए हो तो उसे अर्धशतक में गिनेंगे, क्योंकि बच्चों शतक के लिए 100 रन बनाने होते हैं लेकिन ये तो 100 से कम है, इसलिए ये हुआ अर्धशतक। अब और देखो क्या पूछा है, यदि किसी मैच में वह 101 रन बनाकर आउट हो गए तो क्या हम उसे शतक में गिनेंगे या फिर दोहरे शतक में। दोहरे शतक के लिए तो बच्चों 200 रन होने चाहिए लेकिन ये तो 101 है, तो इसे हम शतक में गिनेंगे। यदि किसी मैच में वह 101 रन बनाकर आउट हो गए हों तो उसे शतक में गिनेंगे। दोहरे शतक में गिनने के लिए उनके 200 या 200 से ज़्यादा रन होने चाहिए लेकिन यहाँ पर है 101, तो हुआ शतक। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3। धोनी के कुल रन शब्दों में लिखिए, एक दिवस मैच में उन्होंने इतने रन बनाए हैं और टेस्ट मैच में इतने, तो आपको इसको शब्दों में लिखना है। तो बच्चों आप जानते हैं इसे वंस प्लेस, इसे टेंस, इसे 100, इसे 1000 और इसे 10,000 बोला जाता है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 10,773 और हिंदी में 10,773। और उनके टेस्ट मैच के कितने रन हैं वो देखो, ये कौन सा प्लेस है, वंस प्लेस, ये टेंस, ये 100 और ये 1000। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 4876। यहाँ पर भी आप देखो 4876 और हिंदी में 4876। तो इस तरह से हम इनको शब्दों में लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।
धोनी ने एक महत्वपूर्ण मैच में आखिरी की 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के मारकर भारत को वो मैच जिताया। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने 3 गेंदों में कितने रन बनाए होंगे? तो बच्चों, पहली गेंद पर उन्होंने कितने रन बनाए? 6। दूसरी गेंद पर भी 6 रन, तीसरी गेंद पर भी 6 रन, क्योंकि उन्होंने तीनों गेंदों पर छक्के मारे हैं। तो अगर कुल निकालना है आपको, कुल मतलब आप, मैंने अभी बताया आपको, जोड़ना है, तो यहाँ पर आप इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या उत्तर आएगा बच्चों? तो आएगा 18। तो कितने रन हो गए? 3 गेंदों पर 18 रन। और इसको आप बच्चों इस तरह से भी कर सकते हैं, पहली गेंद में कितने रन बनाए? 6 रन। कितने रन बनाए? 6 रन, क्योंकि उन्होंने छक्का मारा और तीनों गेंदों पे मारा, तो तीनों गेंदों में कितने रन हो जाएंगे? 3 × 6 बराबर 18 रन। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ लास्ट क्वेश्चन। धोनी का जन्म 1981 में हुआ, इस हिसाब से उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में 2011 की वर्ल्ड कप टीम का नेतृत्व किया, बताइए कि। अब पांचवें प्रश्न में आपको इन तीनों के उत्तर देने हैं। जब उन्हें 2018 में पद्म भूषण मिला तो उस समय वे कितने साल के होंगे? तो बच्चों 2011 में थे वो 30 साल के, तो 2018 में कितने होंगे? 30 में 7 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2018 में वे 37 साल के होंगे। और बच्चों इसको निकालने का एक और तरीका है, हमें निकालना है 2018 में तो उनका जन्म कब हुआ था? 1981 में। अगर आप इसको घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। 8 में से 1 गए 7, यहाँ पर आप कैरी लेंगे, 11 में से 8 गए 3, और यहाँ पर 0 0, तो कितना आंसर आया? 37। तो 37 साल के हो गए, है ना। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड देखो। जब उन्होंने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया तब वो कितने साल के होंगे? अगर 2018 में 37 के थे तो 2 साल बाद कितने होंगे? 37 में 2 प्लस कर दो, कितना हो गया? 39, है ना। तो 2020 में वे 39 साल के होंगे। और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे 2020 में पूछा है तो 2020 ऊपर और उनका जन्म जब हुआ वो सन आप यहाँ लिखेंगे और फिर घटा देंगे। 10 में से यहाँ पर कैरी लेंगे ना, तो 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गए 9, है ना। और यहाँ पर भी आप कैरी लेंगे, यहाँ पर 1 बचा था, तो इसको भी आप करके देखेंगे तो आएगा 39। 2020 में वे 39 साल के होंगे। और इसमें भी आप 2 जोड़कर ये उत्तर निकाल सकते हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी। अब लास्ट क्वेश्चन, धोनी कितने साल तक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे? तो बच्चों जब हमने धोनी के बारे में अनुच्छेद पढ़ा तो हमने उसमें देखा था कि धोनी 2007 से 2016 तक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे। तो बच्चों जब आप गिनेंगे तो पाएंगे 2007 से 2008, फिर 2009, फिर 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 और फिर 2016। तो कितने वर्ष हुए? 9 वर्ष। धोनी 9 वर्ष तक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे। तो बच्चों ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट। आप इसे करेंगे, सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे, साफ़ सुथरा काम करेंगे और अपने टीचर को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। आज की वर्कशीट थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सारा काम समझकर और फिर करेंगे। जहाँ पर आपको जोड़ना है, गुना करना है, वो आप अपनी कॉपी में ज़रूर करके देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।